जस्ट वोक्ड अप। व्लॉग में आप लोग बने रहिए और देखिए मैं क्या करता हूँ आज पूरे दिन। ओके एक पुशअप का ट्यूटोरियल वीडियो शूट किया है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी, आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है उसे, प्लीज़ उसे जाइए देखिए, सब्सक्राइब करिए। और पुशअप का ट्यूटोरियल शूट हो चुका है, जो बिगिनर्स हैं अगर उनसे पुशअप नहीं लगता है तो इस ट्यूटोरियल को फॉलो करिए, आपसे भी पुशअप लगना स्टार्ट हो जाएगा। उठ चुका हूँ, वीडियो शूट कर लिया है, रेडी हूँ। अब मेरे को घर के किसी काम से कहीं पर जाना है, कुछ कोई पेमेंट से रिलेटेड कुछ काम है, उसके बाद वहाँ से फ्री होऊंगा। वहाँ से फ्री होने के बाद देखता हूँ, अगर कार वॉश कराना हो तो वॉश करवाऊँगा, अदरवाइज़ वहाँ से फिर आऊँगा घर और डाइट लेके प्री वर्कआउट साथ में लूँगा, प्री वर्कआउट मील लूँगा और उसके बाद वहाँ से जिम जाएंगे। और जिम में कुछ शूट अगर करता हूँ तो वो मैं शेयर करूँगा आगे। और व्लॉग्स पे बने रहिए, कीप वॉचिंग। क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए? हटो, तुम आपस में खेल लो, जाओ। बारिश हो रही है, चलो ताजिम किसी ने ओपन कर दिया हुआ, लेट्स सी। खाली है और खाली जिम में कार्डियो करने का अपना ही मज़ा है, अलग लेवल का कार्डियो चलता है फिर मेरा, ठीक है। अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो एड्रेस पिन कर दूंगा और अपनी टाइमिंग्स बता दूंगा। मिक्स मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी करता हूँ, किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे वर्कआउट शुरू करता हूँ। हाँ, मज़ा बहुत आता है। तो इस टाइम में आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, अगर मेरे सिटी से हो तो बेस्ट टाइम रहता है ये। जिम खाली रहता है तो मशीन्स फ्री रहती है, मशीन्स फ्री रहती है तो वर्कआउट करते टाइम दिक्कत नहीं होता।
जिम में चले गए लाइट। आज लगाना है बैक, बट हम तो फिर भी लगाएंगे। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। जिम कंप्लीट हो चुका है और हम चल दिए कहीं। मतलब जिम से निकल गया हूँ मैं और अब सोच रहा हूँ ग्राउंड जाऊँ और 1-2 किलोमीटर रनिंग कर लूँ। चलो देखते हैं, भूख भी लग रहा है। अगर मूड हो गया तो चले जाएंगे ग्राउंड, और डिपेंड्स, अगर मन नहीं हुआ तो नहीं जाऊँगा। बाकी देखते हैं। जिम कंप्लीट हो गया, बैक लगाना था लेकिन लाइट नहीं थी जिम में, तो थोड़ा वॉमिटिंग सा आने लग गया, ह्यूमिडिटी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया जिम, और उसके बाद बस अभी निकला हूँ। बैक वर्कआउट प्रॉपर नहीं लगा, बट ठीक है, जितना हो सकता है अपने तरफ से मैक्सिमम एफर्ट दिया, हैवी वेट नहीं जा पाया, वर्कआउट पूरा कंप्लीट कर लिया। हाँ, लाइट हो या ना हो अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, अपने अंदर फुल मोटिवेशन है, ठीक है, उसी मोटिवेशन से अपन जिम लगा लेते हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैंने अभी तक 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। लोग ये भी बोलते हैं कि भाई 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया है, अगर आप पहली बार पतले हो गए थे तो उसको मेंटेन कर लेते। अरे ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड्स, मेरे को जैसा सही लगता है मैं वैसा करता हूँ। हाँ, लोग ये भी बोलते हैं कि भाई तू कभी भी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो इट्स टोटली अपॉन ऑन योर कैलोरी काउंट, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, और सब बेसिकली सब साइंस है, अगर आपने सही तरीके से इसको फॉलो कर लिया तो आप भी कर सकते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म जब चाहें। हाँ, लाइफ भी जीना है ना, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ, बहुत टाइम तक खा लेता हूँ तो वेट गेन हो जाता है। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से नेचुरल हूँ, पूरी तरह से नेचुरल होने के कारण मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन ईजी है। बॉडी को मैंने इस तरह से डिज़ाइन कर लिया है कि, और आज का दिन कंप्लीट हो गया, घर पे हूँ, रात हो गई है और कुकर की आवाज़ आपने सुन ली होगी, ठीक है, मम्मी खाना बना रही है। और आज का दिन बहुत ही बढ़िया था। हाँ, इन सब में सबसे बेस्ट पार्ट एक था कि आज मैंने एक पुशअप का ट्यूटोरियल शूट किया है, सो उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और बाकी सब ठीक है, हाँ जी ठीक है, साइनिंग आउट एंड सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए डिफरेंट तरह के फिटनेस वीडियोस बनाने का, और इससे आप लोगों का हेल्प होगा ट्रांसफॉर्मेशन करने में। सो कीप वॉचिंग, साइनिंग आउट, जय हिंद।